दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप प्ले स्टोर का कोई भी ऐप अपने पीसी या लैपटॉप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे डाउनलोड करेंगे। इसके लिए आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को खोल लीजिए और इसके बाद आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर गूगल पर सर्च करिए APK डाउनलोडर क्रोम एक्सटेंशन। इसके बाद सबसे ऊपर ही ऑप्शन आ जाता है, इस पर आप क्लिक कीजिए और ऐड टू क्रोम, एड एक्सटेंशन। ध्यान रखिए, ये वीडियो में जो लैपटॉप और पीसी उनमें ऐप्स को इंस्टॉल करने के बारे में नहीं बता रहा हूँ, केवल डाउनलोड करने के बारे में मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपने प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर से आपको जिसके लिए भी ऐप चाहिए, अपने टैबलेट के लिए, फ़ोन के लिए, टीवी के लिए या क्रोमबुक के लिए, उस पर आप क्लिक करिए। मैं आपको उदाहरण के लिए फ़ोन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये कैंडी क्रश सागा पे मैंने क्लिक करा और ऊपर जो इसका ये लिंक आ रहा है इसको मैंने क्लिक सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वापस से मैं आता हूँ एक्सटेंशन पे, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप इसको ये नीचे जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ से भी आप अपना सेट कर सकते हैं, आपको एंड्रॉयड के लिए कौन से ये वर्जन के लिए ऐप डाउनलोड करना है। फिलहाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट पर रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एनालाइज पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनालाइज करने के बाद ये इसका लिंक आ चुका है मेरे पास डाउनलोड करने का। और यहाँ पर आप ये नीचे देखेंगे तो इसके ये जो पुराने वर्जन है ये भी शो हो रहे हैं। अब मैं इसको यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, ये देखिए डाउनलोड हो गया। इसी तरह से मैं इस ऐप का अगर कोई पुराना वर्जन चाहता हूँ वो डाउनलोड करना चाहता हूँ तो इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लिया। ये दोनों ऐप मेरे इसमें डाउनलोड हो रहे हैं। एक बात और, यदि आप इस एक्सटेंशन को दोबारा से यूज़ करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपका एक्सटेंशन सेव हो चुका है। आपको जब भी इसे यूज़ करना हो तो आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं और अगर आप इसको पिन कर देंगे तो ये आपके यहाँ पे शो करेगा। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।